नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सारिका। आज हम बनाएंगे सूजी के अप्पे, जो कि बहुत ही जल्दी और आसानी से बन जाते हैं। ये बहुत ही लाइट और हेल्दी नाश्ता है। आप इसे बच्चों के टिफिन के लिए भी जल्दी से जल्दी बना सकते हैं। तो चलिए अप्पे बनाना शुरू करते हैं। 2 कटोरी बारीक सूजी मतलब कि रवा लिया है, 1 कटोरी दही, 1 मीडियम साइज कटा हुआ प्याज, 1 छोटा बारीक कटा हुआ टमाटर, ये मैंने आधी शिमला मिर्च और थोड़ी फीकी मिर्च भी ली है, वो भी मैंने बारीक काट ली है, और ये रहा हरा धनिया। मैंने 2 कटोरी सूजी के हिसाब से सारे इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। 1 टेबलस्पून हरी मिर्च की चटनी, 2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून सोडा लिया है। 1 बड़े कटोरे में हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ये रही 2 कटोरी सूजी, 1 कटोरी दही, शिमला मिर्च और फीकी मिर्च, टमाटर, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च का तीखा, नमक और जीरा। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्सअप हो गई है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका थोड़ा गाढ़ा बैटर बना लेंगे, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। मैंने इसमें बारीक सूजी का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहे तो इसमें मोटी सूजी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको मोटी सूजी के लिए और ज़्यादा पानी लगेगा। मुझे इसमें थोड़ा थोड़ा करके 3 से 4 बार पानी डालना पड़ा। देखिए अब लगभग हमारा बैटर तैयार हो चुका है। इतनी ही गाढ़ी कंसिस्टेंसी चाहिए हमें हमारे बैटर की। अब हम हमारे बैटर को 15 मिनट सेट होने के लिए ढक के रखेंगे। 15 मिनट हो गए हैं। देखिए सूजी ने पानी सोख लिया है और हमारा बैटर थोड़ा गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और सोडा ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। कुछ ऐसी ही कंसिस्टेंसी हमें हमारे बैटर की चाहिए। इतना पतला ठीक है। यहाँ पे मैंने अप्पे पात्र 5 मिनट प्रीहीट करने के लिए रख दिया था। उसके बाद अब मैं इसमें तेल डाल रही हूँ। इतना तेल डालने के बाद हमें और तेल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम एक एक करके 1 छोटी चम्मच से इसमें बैटर डाल देंगे। पूरा भरने तक हमें बैटर ऐड करना है। बस इसी तरह से हम बाकी इसमें भी बैटर भर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैटर डालते वक्त इसमें का थोड़ा थोड़ा तेल बाहर आ रहा है, जिससे कि हमारे अप्पे जल्दी फूलेंगे और चिपकेंगे भी नहीं। ध्यान रहे, प्रीहीट करने के बाद हमें गैस को लो फ्लेम पे कर देना है और पूरे अप्पे होने तक हमें गैस को लो फ्लेम पे ही रखना है। हम 3 से 4 मिनट तक ढक्कन रख के अप्पे पकाने वाले हैं, ताकि हमारे अप्पे भाप पे अच्छे से पक जाए। अब चेक करते हैं अप्पे पके या नहीं। देखिए हमारे अप्पे पक चुके हैं। अब हम सारे अप्पे को पलट लेंगे। धीरे धीरे करके ही पलटना है। बच्चों की हेल्थ के हिसाब से आप इसमें गाजर, हरे मटर या भिगोई हुई मूंगफली या और भी कुछ जो बच्चों को पसंद है, जैसे कि गोभी, या जो ना पसंद है वो भी चीज़ें आप इसमें डाल के बच्चों को खिला सकते हैं। अब हम इसे फिर से 3 से 4 मिनट तक ढक्कन रख के भाप पे पका लेंगे। देखते हैं अब हमारे अप्पे पके या नहीं। मैं थोड़ा सा प्रेस करके देख लूँगी। हाँ, अब हमारे अप्पे पक चुके हैं। अब हम इसे एक डिश में निकाल देंगे। हमारे अप्पे खाने के लिए एकदम तैयार है। यहाँ पे मैंने नारियल और मूंगफली की चटनी के साथ अप्पे सर्व किए हैं। अगर आप चाहे तो इसे दाल तड़का बना के भी खा सकते हैं। इस चटनी की रेसिपी भी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे अप्पे का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा आया है और स्पॉन्जी भी बने हैं। एक बार अंदर से भी देख लेते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा जालीदार स्ट्रक्चर आया है इसका, मतलब अंदर से भी हमारे अप्पे बहुत अच्छे से पक गए हैं। टमाटर और शिमला मिर्च की वजह से बहुत कलरफुल लग रहे हैं हमारे अप्पे। घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी अप्पे की रेसिपी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।